तो दोस्तों आपको आपकी कंप्यूटर या फिर मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप आपकी कंप्यूटर या फिर पीसी का ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा BRN रजिस्ट्रेशन। जैसे आप BRN रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिख के टाइप करके इंटर प्रेस करोगे या फिर नेक्स्ट पेज पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से नया पेज आने के बाद में आपको एक नंबर पे साइट दिखा रही है अप्लाई BRN बिजनेस रजिस्ट्रेशन राजस्थान, तो आपको इस पे ओके कर देना है। इस पे ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ इंट्रक्शन आ जाएंगे। आपको ये जो इंट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं इन इंट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आपको यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप इन टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कॉन्टेक्ट करके उनसे और पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जो आप अप्लाई कर रहे हो ये आपको आपके आधार कार्ड से अप्लाई करना होगा। आप याद रखना आपको आपके आधार कार्ड से अप्लाई करना होगा। आधार कार्ड से अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे आपको जो आईडी प्रूफ देनी होगी वो भी आपको आपके हिसाब से आईडी प्रूफ देनी होगी। उसके बाद आपकी फोटो भी इसमें अपलोड करनी होगी और आपको साइन भी अपलोड करना होगा। फोटो साइन अपलोड करना है वो आपको JPG में ही अपलोड करना होगा, जिनका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और ये जो आपको आपकी जो आय भर रहे हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भर रहे हो, जो आपको इस हिसाब से भरनी होगी, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई कोडिंग के हिसाब से भरनी होगी, जो आपको कोड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसके हिसाब से। उसके बाद में आई हैव रीड एग्रीमेंट, इस पे ओके करके आपको प्रोसीड बटन पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज आ जाएगा। नया पेज आने के बाद में यहाँ से आपकी डिटेल मांगेगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर है और जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ से आपको फिल कर लेनी है। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे ओके करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में आपको वेरीफाई पे ओके करना है। जैसे आप वेरीफाई पे ओके करोगे तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी में दोनों पे OTP आ जाएगी, 4 अक्षर की 4 डिजिट की। तो आपको यहाँ पे वो OTP लगा देनी है। OTP लगा के आपको सबमिट बटन पे ओके कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा और यहाँ से आपकी डिटेल मांगेगा। आपका जो आपकी जो फ्रीम है, जो जिस फार्म के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो रूरल एरिया में आती है या फिर अर्बन एरिया में आती है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका टाइप करना होगा रूरल है या फिर अर्बन है, वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। उसके बाद में आपको आपका जो भी तहसील है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अर्बन एरिया सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो भी गाँव है वो जो भी आपकी पंचायत है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका वार्ड नंबर है वो वार्ड नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको पूछेगा एप्लीकेंट है, यहाँ पे आपकी आईडी प्रूफ मांगेगा कि आप कौन सी आईडी यहाँ पे दे रहे हो, आपका आधार कार्ड दे रहे हो या फिर जन आधार कार्ड दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। वो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको आपकी आईडी का नंबर डालना होगा। जो भी आपकी आईडी का नंबर है वो यहाँ पे आपको आईडी का नंबर डालना होगा। यहाँ कोई भी आईडी से कर सकते हो, जिस भी आप आईडी से करना चाहो उस आईडी से कर सकते हो। उस आईडी की आपको फोटो है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे मालूम है आधार कार्ड से आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका आधार नंबर टाइप कर देना। जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ से आपको टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद में आई रीड पे ओके करना होगा। आपको इस वाले ऑप्शन पे ओके करके आपको गेट OTP पे ओके करना है। गेट OTP पर ओके करते ही आपके मोबाइल पे या फिर आपकी ईमेल आईडी पे OTP आ जाएगी। OTP लेके यहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा। जो भी आपकी आधार पे OTP आई है वो OTP देख लेना है। OTP लगा के आपको वेरीफाई करके और नेक्स्ट पेज पे ओके करना होगा। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आधार नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल। आपको ओके बटन कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन ओके करना है। कंटिन्यू बटन ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग होगी और इस प्रकार से पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार से आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको पूरा एड्रेस दिखा देगा, आपकी पूरी फोटो आ जाएगी। यहाँ से आपको आपका जो भी सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको आपका जो भी नाम है या फिर आपका बिजनेस जो भी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, आप जिस भी बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो और उसका जो भी आप नाम रखना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ पे आपको वो नाम लिखना होगा। उसके बाद में उसका यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना होगा। जो भी आप फर्म खोल रहे हो या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर BRN नंबर किसी भी काम में लेने के लिए, जिस भी काम में लेने के लिए आप BRN रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे टाइप करना होगा। अगर मान लो मैं कोई स्कूल खोलना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं कोई स्कूल खोलना चाहता हूँ और स्कूल खोलने के साथ मेरा जो भी स्कूल का नाम होगा वो यहाँ पे मेरे को टाइप करना होगा। क्योंकि हम आगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके अंदर हम जो भी डिटेल मांगेगा तो हमें जो भी डिटेल देंगे हमने BRN नंबर के तहत ही वो हमारी डिटेल उठाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी नाम टाइप करें वो पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में वो नाम टाइप कर लीजिए। यहाँ पे
जैसे मान लो मैं कोई शिक्षक समिति नाम लेता हूँ तो या फिर शिक्षक समिति नाम टाइप कर देता हूँ, मैं कोई डेयरी लेता हूँ तो या फिर जो भी मैं जैसे मान सुनील डेयरी लेता हूँ तो सुनील डेयरी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में पूरा पूरा एड्रेस टाइप कर देना है, पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, पैन कार्ड नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है कि आपका हेड ऑफिस है तो आपको एसपीओ के कर देना है। अगर आप आपकी कोई ब्रांच कर रहे हो तो यहाँ पे नो ओपी ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो भी आपको यहाँ पे आगे ऑप्शन दिखा रहा है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको नीचे जो एड्रेस वाला दिखा रहा है वो यहाँ पे आपको एड्रेस भी चूज कर लेना है यहाँ से कि आपका एप्लीकेंट का एड्रेस कौन सा है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का एड्रेस कौन सा है या फिर हेड ऑफिस का एड्रेस कौन सा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके वो एड्रेस भी यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा कि आपको वहाँ पे एक्टिविटी क्या होगी। अब मेन ध्यान देने वाली बात यही है यहाँ पे कि आपकी वहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रही है, वो आपको एक्टिविटी पहले से अच्छे से चेक कर लेना है। आप देख लेना कि फूड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है या फिर किसी भी रिलेशन से कोई भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं तो नहीं कर पाओगे। यहाँ से कंस्ट्रक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई हो गया, फाइनेंशियल इंश्योरेंस हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्कर हो गया, जो भी आप यहाँ से करना चाहो, पब्लिक एजुकेशन के लिए करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, होलसेल रिटेलर के लिए करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैं एजुकेशन के लिए करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं एजुकेशन पे ओके करता हूँ तो इस प्रकार से एक है जो प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग होने के बाद में आगे मेरे को यहाँ पे दिखाई दे देगा जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे देगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा वो यहाँ पे एजुकेशन का दिखाई देगा, आपको यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट टाइप करना होगा। यदि आप एजुकेशन टाइप करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से प्रोसेसिंग होने के बाद में यहाँ पे दिखाएगा आपको कि आप कौन सी एजुकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर अदर एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन या फिर एजुकेशनल सपोर्ट सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देकर ही आपको ये बात है जो आपको ध्यान देकर ही रजिस्ट्रेशन करनी होगी। पहले आपको इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। यहाँ पे आपको आपका NIC कोड दिखा रहा है, जो भी NIC कोड है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पूछा है ईयर ऑफ स्ट्रीम ऑपरेटिंग अंडर करंट ओवरशिप है, तो आपको यहाँ पे दिखा दिया आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, जितने भी आप ये चलाना चाहते हो यहाँ पे एज वो टाइप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो आप नोट स्टार्टेड भी ओके कर दीजिए। अगर आपने स्टार्ट कर रखी है पहले से, आपने जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको यहाँ पे ये डाल देना है कि आपने कितने ईयर से स्टार्ट कर रखी है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। यहाँ पे भी आप ये नो अच्छे से इसको पटके और अकाउंट मैनेजमेंट का सिस्टम चलता है या फिर नहीं चलता वो आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद ओवरशिप कोड आपको यहाँ पे देख लेना है कि जो ओवरशिप है जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट है या फिर पार्टनरशिप में या फिर कंपनी है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर कोऑपरेटिव है या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है या फिर लिमिटेड लाइफ इंश्योरेंस है या फिर क्लब है या फिर ट्रस्ट है, जो भी आपके यहाँ पे है जो ओनरशिप कोड आप चूज कर रहे हो पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्किंग डेज है वो कितने वर्किंग डेज होगी, यहाँ पे कितने वर्किंग होगी, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि जितने भी आप पार्टनरशिप में व्यक्ति होंगे वो यहाँ पे लिख देना है। आपको यहाँ पे लिख देना है जो भी आपने इनकम हो रही है तो यहाँ पे इनकम टाइप कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा आपको जो लग रहा है, जैसे मतलब एजुकेशन के लिए आता है 1948 वाला एक्ट आता है। इस प्रकार से जो भी एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो एक्ट आपको यहाँ से अच्छे से देख लेना है, इन सभी एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको एक्ट का अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप गूगल सर्च पे भी जाके वहाँ से अच्छे से देख सकते हो, जो भी आप देखना चाहो वो आपको आसानी से मिल जाएगा गूगल पे लगभग सभी जो मिल जाते हैं एक्ट के बारे में जानकारी, तो आप वो जानकारी यहाँ से चूज कर लीजिए। जानकारी चूज करने के बाद में यहाँ पे आपको आगे सब कुछ डिटेल जो है दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको कोई है तो टाइप कर देना है, अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, और आपके पास में एक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ से एड भी इनको कर सकते हो। उसके बाद में आपको रिमार्क में टाइप कर देना है, आप कुछ भी टाइप करना चाहो तो यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको आई एग्री पे ओके करके यहाँ पे कैप्चा को टाइप करके इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल के रखना होगा, आपकी मेल पे भी आ जाएगा, मोबाइल पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगा सबमिट करते ही रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका जो है बी आर एन 3 या फिर 4 दिन से आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से सांख्यिकी विभाग से है,
जो वेरीफाई कर दिया जाता है। अगर आपके BRN नंबर पे कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो आप उसको BRN को अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको सेम इसी साइट पे आना होगा, BRN रजिस्ट्रेशन। इस साइट पे आने के बाद में आपको BRN नंबर मिल जाता है तो आपको यहाँ पे जो एक नंबर साइट दिखा रही है अप्लाई BRN, तो आपको इस पे ओके करके यहाँ पे आपको आना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आने के बाद में हमको आपको दिखाई दे रहा है अपडेट BRN, तो आपको इस पे ओके करके और आपका जो BRN नंबर है उसमें आप कोई भी एडिटिंग करना चाहो यहाँ पे BRN नंबर डाल के कैप्चर कोड डाल के 100 पे ओके करते हैं आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आ जाएगी। OTP आने के बाद में आप इसमें अपडेशन करना चाहो, जो भी अपडेशन करना चाहो वो अपडेशन कर सकते हो। इस प्रकार से आपके जो सांख्यिकी विभाग है वहाँ पे यहाँ पे अपडेशन की रिक्वेस्ट आने के बाद में आपको आपके सांख्यिकी ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिख के टाइप करके लिख के देनी होगी कि आपकी जो भी मिस्टेक रह गई है वो मिस्टेक सही कर देंगे। तुरंत आपकी मिस्टेक है तो तुरंत रियल टाइम में सही हो जाती है। तो इस प्रकार से आप BRN का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। BRN का रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी प्रोसेस है वो, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके लिंक का मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।